हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग जहाँ होंगे बिल्कुल अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है और बाहर काफ़ी ठंड है। तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे काम के लिए भी अगर हम लोग को बाहर जाना होता है तो सब चीज़ ऊपर से नीचे कवर करना होता है। ऊपर हैट, कैप, जो भी है आपका ओलन वो आप ले लीजिए, उसके बाद जैकेट, बूट, सब चीज़। तो एज़ यूज़ुअल मुझे गाड़ी में से पानी लेने जाना है, तो बस मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। इतना और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, हल्का ग्रीनिश जो भी यहाँ नीचे गिरा हुआ, वो सब सॉल्ट है। वो सॉल्ट डाल देने से यहाँ पर साइड साइड में स्नो है बट बीच में नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट सॉल्ट ओनली। यहाँ आज काफ़ी ज़्यादा ही ठंड थी और मेरे हाथ भी एकदम रेड रेड हो गए थे पूरे, क्योंकि मैं हाथ कवर करना भूल गई थी। तो अब मैं सोची अब जैसे आ गई हूँ वैसे जल्दी से पानी लेकर बस ऊपर जाती हूँ। तो चलिए अब क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं। और आज मैं सारे विंडो क्लीन करने का प्लान की हुई हूँ और कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्टफ़ जो होगा वो क्लीन करूँगी। इसलिए सबसे पहले मैं अपना ग्लव्स पहन लेती हूँ। ग्लव्स पहनने के बाद, अगर ग्लव्स नहीं पहनती हूँ तो मेरे हाथ जो है वो पूरे रफ़ हो जाते हैं, इसलिए मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ सबसे पहले। तो मैं जनरली ये लाइज़ल का यूज़ करती हूँ और इसमें काफ़ी अच्छा खुशबू भी आती है, इसलिए मैं यूज़ करती थी। बट ये अभी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है अभी मैं थोड़ा होममेड बनाई हूँ, डिस लिक्विड विनेगर एंड बेकिंग सोडा लेकर के वो बनाई हूँ, मिक्सचर बनाई हूँ और उसे इसमें डाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सब कोई देख सकते हैं कि बाहर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है स्नो के कारण। और अगर विंडोज सारे क्लीन हो, बाहर से तो हम लोग क्लीन नहीं कर सकते, वो जब सोसाइटी वाले करेंगे तभी क्लीन होगा, बट अंदर से हम लोग क्लीन कर लेते हैं जब क्लीन रहता है तो बाहर देखने में और भी ब्यूटीफुल लगता है। आई होप कि मुझे देखकर आप लोग सबको भी मोटिवेशन थोड़ा बहुत तो आया होगा क्लीन करने के लिए, क्योंकि विंटर में कितना भी काम हो ना तो ठंड के कारण हम लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं, और अगर ब्लैंकेट में चले गए तो कोजी हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्लीन वगैरह करने का, कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का। तो एटलीस्ट मैं तो लेजी हो जाती हूँ पक्का, और अगर आप लोग भी हो जाते हैं तो शायद आप लोग को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल होगा, मोटिवेट करेगा आप लोग को भी क्लीन करने के लिए। यहाँ पर मेरा विंडोज़ का, रूम के विंडोज़ का क्लीनिंग हो चुका है और मैं यहाँ पे फ्लावर पॉट को क्लीन कर रही हूँ। ये फ्लावर पॉट वाइट कलर का है तो ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर लेता है सारे डस्ट को, तो इसे रेगुलर हमें क्लीन करना पड़ता है। और ये सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमने वॉलमार्ट से लिया था और ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, है मतलब देखने से लगेंगे नहीं कि ये आर्टिफिशियल है बिल्कुल भी। तो देखते ही देखते मेरा एक रूम का सारा विंडो क्लीन हो चुका है अच्छे से, और इसके बाद मैं अपने बालकनी साइड आ गई हूँ और इसे मैं अच्छे से पूरा क्लीन करूँगी ऊपर से नीचे। दोनों साइड से व्यू काफ़ी अच्छा आता है और इस साइड तो और लेक भी है, और ये सारे लेक जो है पूरे फ्रीज हो चुके हैं एकदम और स्नो से कवर्ड हो चुके हैं, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है और क्लीन रहेगा तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में सारे क्लीनिंग करने के बाद, और आज मैं बनाने वाली हूँ एग करी और ये ब्राउन एग्स है। यहाँ पे काफ़ी आसानी से ये ब्राउन एग्स मिलते हैं और ऑर्गेनिक भी मिलते हैं, इसलिए मैं ब्राउन एग्स भी लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पे जो वाटर आता है ना वो हार्ड वाटर है मेरे पास, तो किसी भी चीज़ में अगर हम पानी बॉयल करते हैं ना तो वो पूरा ऐसे वाइट वाइट हो जाता है, इसलिए मैं ये एक सेपरेट पैन रखी हूँ जिसमें मैं एग बॉयल करती हूँ, या फिर कुछ ऐसा जिसमें हमको टैप वाटर बॉयल करना पड़ता है ना, तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ।
इस बार मैं ये जिंजर इंडियन स्टोर से लेकर आई थी और ये इतना अच्छा और इतना जूसी है ना, बहुत फ्रेश है। और ये 3 वीक्स से भी ज़्यादा हो गया है। और इसे मैं क्या करती हूँ ना, ये ऐसा टिश्यू पेपर में रैप करके उसके बाद इस पॉलीथीन में या फिर कुछ भी जिप लॉक बैग में आप रख देंगे, रख देंगे ना तो ये काफ़ी अच्छा एकदम फ्रेश रहता है। मेरा बिल्कुल फ्रेश है, बहुत अच्छा है। तो अभी अभी देखिए मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, तो मैं मार्केट वाला नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है ना, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं ये ऐसे बाहर से लेकर आ जाती हूँ और फिर से हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर इसे आने दूँगी और उसके बाद मैं ग्राइंडर में इसे पीस लूँगी। तो ये हमेशा अंकुर या फिर स्वाद का आता है तो वो लेकर आते हैं। ये मैं पैन को गर्म कर रही थी थोड़ा, और ज़्यादा गर्म नहीं करना है जैसे इसे ना हम लोग तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से अच्छा सा थोड़ा सुंदर खुशबू नहीं आती। जब खुशबू आने लगेगा तो बस इसको हम लोग दूसरे प्लेट में निकाल कर रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए ठंडा कर देंगे। और यहाँ पर एग बॉइल हो चुका है, तो ये मेरा फ्रेश फ्रेश धनिया पाउडर रेडी हो रहा है। अभी बीच में जो भी है वो हो चुका है और ये साइड साइड होना अभी बाकी है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी। एक बार आप लोग घर में बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ओके, तो यहाँ पे अनियन, मिर्ची और ये तेज पत्ता यहाँ पर रेडी है, सब वॉश्ड है एंड सब चॉप किए हुए हैं। यहाँ पे टोमेटोज हैं, चॉप किए हुए हैं, वो अच्छे से चॉप हो चुके हैं। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये भी रेडी हो चुका है। एंड यस, प्लीज़ इग्नोर माय चॉपिंग बोर्ड, मुझे पता है कि इसे चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो ये मसाला पाउडर भी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। फिलहाल के लिए मैं इसे इसी में बंद करके छोड़ दूँगी और अभी बस जितना मुझे चाहिए होगा उतना निकाल लेंगे और बाकी फिर इसी में क्लोज करके रख देंगे ताकि इसकी खुशबू ना जाए। उसके बाद में अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रख दूंगी। तो अब मैं एग करी बनाने की स्टार्ट कर रही हूँ और एग करी मस्टर्ड ऑयल में अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर जीरा सीड्स, क्यूमिन सीड्स ऐड कर दूँगी। वो जब क्रैकर हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जो चॉप किए हुए अनियंस एंड ग्रीन चिल्ली और बे लीफ था उन सबको एक साथ मैं ऐड कर दूँगी। और अनियन को हम लोग 7 to 8 मिनट तक फ्राई होने देंगे, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डालेंगे 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और धनिया पत्ता को ना हमेशा ऐसे स्टोर करके रखिएगा जैसे ये ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है। और फिर उसमें मैंने डाल दिया धनिया पत्ता को और उसके स्टेम के साथ, और फिर ऊपर से किसी प्लास्टिक से कवर कर देना है। तो ये देखिए, ये मोर देन 2 वीक्स का है और कितना अच्छा और फ्रेश और ग्रीन है। और इसके स्टेम्स को भी यूज कीजिएगा क्योंकि इसके स्टेम्स में ज़्यादा फ्लेवर और ज़्यादा खुशबू होती है। तो कुछ लोग धनिया पत्ता को स्टोर करने के लिए इसे सुखा कर पाउडर बना कर रखते हैं, बट उसमें ना थोड़ा टेस्ट चला जाता है। तो आप एक बार ऐसे ट्राई करना रख करके, बहुत अच्छा फ्रेश रहता है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपना धनिया पत्ता कैसे स्टोर करते हैं। मीनवाइल हमारा अनियन एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो फिर अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे चॉप किए हुए टोमेटोज। और यहाँ पे टोमेटोज के साथ मैं ऐड करूँगी पोटैटोस, क्योंकि मैं और कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक करी बना रही हूँ। तो पोटैटोस मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा सब्जी का। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको मन नहीं है तो आप ना डालें। यहाँ पे टोमेटो मसी हो चुके हैं तो फिर मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 1/4 टी स्पून टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये फ्रेश फ्रेश ग्राइंड किए हुए कोरिएंडर पाउडर। बस अब इन सबको अच्छे से थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मैं
मैं सॉल्ट भी अभी ऐड कर दे रही हूँ, वो कुक होने में, जल्दी कुक होने में हेल्प करेगा। बीच हम इसे मैश करते रहेंगे, उससे ग्रेवी जो है वो अच्छी बनेगी, स्मूथ कंसिस्टेंसी की बनेगी। तो एक अच्छे से बॉईल हो चुका है और मैंने इसे पील कर लिया है। इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी, उसके पहले मैं थोड़ा सा हल्दी इस पर डालूंगी। हल्दी डालने से इसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है जब फ्राई हो जाता है। तो वाह, ये तो खुल गया, मुझे लगा था नहीं खुलेगा। और बीच बीच में नज़ारे का मजा लीजिए, स्नोफॉल। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकती, उधर अपार्टमेंट है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों उन लोग के साइड का कुछ दिखने लगेगा। तो ये रही मेरी बालकनी जो कि एकदम हेवी हेवी अमाउंट में जिसने स्नो रखा हुआ है। एक्चुअली मुझे क्लीन कर देना चाहिए बट इतनी ठंडी कि मैं बाहर जाती नहीं हूँ। ऐसे वाइट वाइट अच्छा लगता है, उजाला उजाला लगता है। तो ये अच्छे से डेड डेड फ्राई होकर रेडी है। अब ग्रेवी बॉयल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मैं डालू थोड़ा सा गर्म मसाला, 1/4 टीस्पून गर्म मसाला। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे ये सारे कोरिएंडर लीव्स। डन, एंजॉय। चलिए, तो मैं लंच वगैरह हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा एडिटिंग का काम फिनिश करने के लिए।